तो फ्रेंड्स, जिसका इंतजार था वो हो गया है। जी हाँ, ड्राइंग टीचर्स के नियुक्ति पत्र अब जल्द ही जारी हो जाएंगे। आपको जैसे पता है कि उनके जो जिले के लिए ऑप्शन भरवाए जा चुके हैं और आज ये निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन की तरफ से भेजा गया है सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को, इसमें फतेहाबाद और मेवात को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर सीट नहीं थी। तो यहाँ पर TGT भर्ती नियुक्ति के लिए ये नियुक्ति जो डिटेल है वो शेयर की जा रही है। आप सभी को इसके बारे में पता है और पूरी विषयवार आपको डिटेल दी जा रही है कि जो कैटेगरी 22 है 6/6 उसके तहत जो 157 के करीब टीचर्स को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। अब उनका सबसे पहले तो अब उनका सत्यापन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी अब उनकी, और उसके बाद में जो जिला मौलिक अधिकारी हैं वही उनको नियुक्ति पत्र देंगे। तो प्राप्त ऑप्शन के अनुसार उनको पहले जिला प्रदान कर दिया गया है और अब नियुक्ति पत्र मौलिक शिक्षा अधिकारी उनको जारी करेंगे। तो इसके लिए जो अधीक्षक है उन्होंने ये एक सर्कुलर जारी किया है कि 21 और 22 तारीख को ये जो नियुक्ति शाखा है उनसे ये जो आवेदन फॉर्म है, गाइडलाइन है, नियुक्ति स्थान आदि आदि जो भी हैं वो प्राप्त कर ली जाए। तो इस तरह से इनका तो रास्ता साफ हो गया है बिल्कुल। हालांकि कोर्ट केसेस कुछ लगे हुए हैं इस पर और पुरजोर कोशिश की जा रही है इनको जो ज्वाइनिंग से रोकने के लिए, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो पाएगा कि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो रुक जाएगी। तो अभी दूसरी बात है KUK के छात्रों की, वो सभी इंतजार में है और कब उनकी ज्वाइनिंग आए और कब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कुछ पॉजिटिव आए। हालांकि हाई कोर्ट की बातें तो अभी पुरानी हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ अगर आता है तो उसमें कुछ होगा। कल दुष्यंत चौटाला जी ने भी लाइव प्रोग्राम में कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा हम उनकी गाइडलाइन को मानेंगे। हालांकि खट्टर साहब भी बार बार यही चीज़ें बोलते आ रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार करेंगे, लेकिन यहां पर जो डेट है, रिव्यू की डेट है, उसको मिलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। हालाँकि उम्मीद ये है कि इस वीक में ये डेट मिल जाएगी कन्फर्म, काफ़ी हद तक ये है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्शंस थे उस पर रिव्यू पिटिशन पर वो सारे के सारे ऑब्जेक्शंस अब दूर कर लिए गए हैं और काफ़ी एविडेंस अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के पास हैं। तो अभी समय इसमें अभी ज़्यादा नहीं बचा है कि रिव्यू ना उसमें हो, लेकिन लंबा कितना चलेगा ये तो बात अब आगे ही कोर्ट ही डिसाइड करेगी। हालाँकि अभी कोविड गाइडलाइंस बिल्कुल ओपन हो चुकी है तो ओपन कोर्ट में इस केस की सुनवाई करने की सभी साथी चाह रहे हैं कि ओपन कोर्ट में हो और उसी के अनुसार ही कुछ फ़ायदा होगा इसमें कि ओपन कोर्ट में सारे वकील आपस में बहस करें और पूरे एविडेंस रखें। जिन एविडेंस को पहले बुला दिया गया था, उन पे गौर नहीं किया गया था, वो सारे के सारे एविडेंस अब यहाँ पर उनके सामने रखे जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको यही सांत्वना है कि उनका जो केस है बिल्कुल डेड नहीं हुआ है, वो आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। और रिव्यू पिटीशन अगर यहाँ पर आ जाती है पूरी की पूरी फाइल, उनको डेट मिल जाती है तो जल्द ही कुछ ना कुछ यहाँ पर खुशखबरी उनके लिए मिलेगी। तो यहाँ जो ITI है और अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभी अभ्यर्थियों के लिए भी शुभकामनाएं कि जल्द ही उनका कुछ न कुछ अच्छा हो और उससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू पिटीशन है वो उनका एक्सेप्ट हो जाए और उनको डेट जल्द से जल्द